हमारी लाइफ में हमें कई बार ऐसे लोग टकराते हैं, कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो कि हमारा भला नहीं चाहते, हमें खुश देखना नहीं चाहते। और ऐसे लोग आपको ज़्यादातर अपनी रिश्तेदारी में दिखेंगे, अपने आस पड़ोस में दिखेंगे या फिर आपको अपने फ्रेंड सर्कल में दिखेंगे। पर एक इंसान ऐसा है जिसका हम पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, वो है हम खुद। हम कई बार अपने मन में अपने आप को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत कुछ गलत बोलते हैं, बहुत कुछ गलत बात पर विश्वास करने को मजबूर कर देते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ, हमारा माइंडसेट दोनों बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो कुछ कॉमन बातें जो कि हमें नहीं बोलनी चाहिए, जो कि हम बहुत अपने आप को बोलते हैं, जो कि हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देती हैं, ऐसी क्या बातें हैं, चलिए जानते हैं। और इनकी जगह हमें क्या बोलना चाहिए ये भी जानते हैं। अब तो बहुत देर हो चुकी है, या फिर कहें कि उम्र निकल चुकी है। अगर आपके दिमाग में भी यही थॉट आता है तो आपको बोलना चाहिए कि हर चीज का एक परफेक्ट टाइम होता है। ना ही तो मैं लेट हूं और ना ही मैं किसी से पीछे हूं कुछ सीखने में, कुछ करने में, क्योंकि मेरा परफेक्ट टाइम यही है। मैं हर बार सब खराब कर देता हूं। अगर आपके माइंड में भी ये विचार आता है तो आपको अपने आप को बोलना चाहिए कि लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता और मेरी गलतियां ही मेरा मार्गदर्शन है, क्योंकि यही मुझे आगे बढ़ाएंगी, आगे जीत तक लेकर जाएंगी। क्योंकि अगर मैं गलती करूंगा तो उनसे ही मैं सीख लूंगा और अपने आप को बेहतर बनाऊंगा। मेरे होने, मेरे ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा विचार आपके दिमाग में आता है, आपके माइंड में आता है, तो आपको अपने आप को बोलना चाहिए कि आपके होने ना होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर फर्क ना पड़ता होता तो आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा ही ना होते। सब बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा विचार आपके दिमाग में आए जो कि ज्यादातर लाइफ में हमारी आता है, तो आपको अपने आप को बोलना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख दोनों बने रहते हैं। अगर अभी दुख है तो ये समय भी बीत जाएगा और बहुत जल्दी हमारे जीवन में सुख आएगा। तो अब अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं तो उनकी जगह आप ये बोलकर अपने माइंड को, अपने इमोशंस को पॉजिटिव कर सकते हैं। वैसे हमने एक वीडियो बनाया कि आप किसी से भी कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी बहस कैसे जीत सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर एवटर में डाल दूंगा, तो आप क्लिक कर देख सकते हैं। अगर आप भी ये कला सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपका वीडियो पसंद आया। अगर आपका वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।